4 साल पहले राइट विंग की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद बहुत सारी ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं हमारे देश में, बीफ को लेकर हो, चाहे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग हो किसी भी मसले पर, क्या आपको लगता है कि कम्युनल जो हार्मनी है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है इन 4 सालों में बीजेपी की सरकार आने के बाद, राइट विंग सरकार आने के बाद? आप लोगों को क्या लगता है दिनों को? आपको क्या लगता है? नहीं मैं आप लोगों की, आप भी बताइए ना, आपके भी कुछ क्या लगता है आपको? नहीं मैं सवाल पूछ रहा, आप लोग मैं बता दूंगा, जवाब दूंगा, आप बताइए। लेकिन लगता है आपको ऐसा हो रहा है? गॉड दिया है जवाब फिल्म में इसका। बहुत डिस्टर्बिंग माहौल तो है जी, डिस्टर्बिंग माहौल तो चल रहा है देश जी, डिस्टर्बिंग, करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग तापसी अनुभव? हाँ मतलब मैं तो जैसा कहा, मुझे जो कहना था मैं ट्विटर पे लिखता रहता था यार, झगड़े करता रहता था, फिर गालियां सुनता था, फिर वो घर तक पहुंच जाते थे, मेरे बाप तक पहुंच गया एक आदमी, मेरी माँ तक पहुंच गया। तो मैंने कहा इसका तो कोई तो फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे इसको क्यों जवाब दे रहा हूँ। थैंकफुली मेरे पास एक माध्यम है जहाँ से मैं देश के लाखों लोगों को एक साथ एड्रेस कर सकता हूँ। तो एक कहानी सोची और सुन के सोच के सबसे पहले सुधीर भाई के ऑफिस गया, भाग के उनको सुनाई, मैंने कहा बना दूँ ये पिक्चर, तो उन्होंने कहा फ़ौरन बना दो। तो मेरे को जो कहना था वो फिल्म में कहा है मैंने, आपके सारे सवालों का जवाब। मैं क्या सोचता हूँ, हर सवाल का जवाब होता नहीं एक्चुअली, कुछ तो सवाल ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, तो कम से कम सवाल मिलेंगे आपको, जवाब तो हमारे होंगे, कुछ जवाब भी मिले शायद। तापसी कुछ? देखिए जैसे सर ने अपनी ओपनिंग स्पीच में कहा था, ये मुद्दा सरकार का नहीं है, सो ये उसके बियॉन्ड है, आपका और हमारा है। सो वही चीज़ एड्रेस करने की कोशिश करी है। और बाकी क्या कहना चाहूँगी, क्या फील करती हूँ, जो डायलॉग बोले हैं मैंने पिक्चर में वो बहुत दिल से बोले हैं, आई होप वो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेरे दिल से निकले आप तक ज़रूर पहुँचेंगे मुझे लग रहा है। तो उसके लिए 3 अगस्त का वेट कीजिए, हम सबका आंसर आपको पिक्चर में सुनाई देगा। बहुत आखिरी छोटा सा सर, आपको क्यों लगता है कि जो मुस्लिम जो नौजवान है वो क्यों भटक रहे हैं, वो व्हाई दे आर चूजिंग टेररिज्म, आपको क्यों लगता है? कल हिजबुल मुजाहिदीन ने एक ट्वीट किया है जहां पर उसने 12 मिलिटेंट उन्होंने फोटो दिए, क्योंकि कल बुरान वानी का भी था 1 ईयर। तो व्हाई यू थिंक दैट द मुस्लिम आर जॉइनिंग टेररिज्म? न्यूज पढ़ते हैं आप? टीवी देखते हैं? यस। नहीं देखते? देखते हूँ सर। कल आपके देश के 2 मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया, पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म। Why they are choosing? थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा भूगोल पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं ऐसे ये प्रेस उसमें आपको नहीं बता सकता कि मुसलमानों ने टेररिज्म की शुरुआत किसने की है पता है आपको? टेररिज्म शब्द पहली बार टेररिज्म का इस्तेमाल कब हुआ है? बताइए ना। टेररिज्म की पहले, आपकी जानकारी के लिए इतना बता दे रहा हूं कि टेररिज्म की शुरुआत मुसलमानों ने नहीं की है, पता है आपको? इतिहास पढ़िए। ऐसा लग रहा है कि बातचीत खत्म हो गई है शायद। आप दोनों से सवाल है कि इस मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का रेडिकलाइजेशन चल रहा है, और जिस तरह से एक पूरे कौम पर तोहमतें लगाई जाती है कि अगर कोई घटना हो जाए इस देश में, एक पर्टिकुलर कौम को ब्लेम किया जाता है और एक ही ब्रश से सबको पेंट किया जाता है, तो तापसी मैं जानना चाहूँगा कितना डिस्टर्बिंग आपके लिए है ये बात कि हम सबको ब्लेम करते हैं अगर कोई छोटी सी घटना हो जाती है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली बहुत डिस्टर्बिंग है ऑफकोर्स, एंड आंसर डजंट एंड हियर। I'll give you an example from my life. हाँ please sir. वो छोटी सी बात कहनी है। वो पुराने जमाने में अखबार में ना जब दंगे होते थे तो संप्रदाय का नाम नहीं लिखते थे। आज वो दौर है जब एक समूह, क्या बोलते हैं उसको, स्पोक्सपर्सन वो टीवी पे मुल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है, मैं नाम नहीं लूँगा, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता एक राजनीतिक पार्टी के हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं ना तो आप पर्दा खत्म हो चुका है, वो पर्दा उठा के बात कीजिए किस कौम की बात कर रहे हैं आप।
We've got the elephant in the room, right in the center. So let's see the elephant and talk about it. Islamic terrorism की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें होती है. तो ये बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म का प्रिमाइस भी वही है, तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है, अगर रोजाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं. बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ. सबसे पहले तो एक अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी. माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम. अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूँगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज़ रन बाय देम. सो इट वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज़ कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज़ टारगेटेड. सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है. तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़, इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा ये फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना. सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए. अनुभव आप क्या करें? मैंने जैसा बताया, मेरे लिए तो इतना डिस्टर्बिंग था कि मुझे लगा कि फिल्म बनाई जाए. टू बिगिन विद इट साउंडेड अ बिट लाइक अगेंस्ट द टाइड, बट टुडे द काइंड ऑफ response has become such a cliched word. the kind of comments people are giving is so good that I'm happy that I made it. And yes, it disturbs me a lot. And it's not only about Hindu-Muslim, like I said. You know, we've had these clashes among. It's such a diverse country. It's such a big country. And, you know, everybody has fought everybody. Hindus have fought Muslims, Shias have fought Sunnis, Brahmins have fought Thakurs, and Thakurs have fought Bhumihars. So it goes on in this country. And, you know, one thing that I could not complete when I just slipped it, I slipped my mind. I mentioned Sikhs. Sikh community ka bhi Hinduon se bhi jhagda hua, Musalmanon se bhi jhagda hua, un sare dauron mein. Lekin wo ek aisi community thi, hai, jisne उन सब बुरे इंसिडेंट्स के बाद सर नीचे झुकाया और बोला खुशी ढूंढनी है. और आज आप देखें तो मतलब एक पूरा 80 का एक दौर था जिसमें हिंदू सिख राइट्स होते थे हमारे देश में, और एक नए देश की परिकल्पना हो रही थी जो नहीं हुआ. हमारी प्राइम मिनिस्टर मारी गई, वो एक पूरा एक बड़ा लंबा, और एक दिल्ली का एक 84 का एक बहुत दर्दनाक हादसा है. पर आप देखें तो वो एक कम्युनिटी थी जिसने उस दे जस्ट पुट इट बिहाइंड देम एंड दे जस्ट थॉट नो we have to move on from here, we have to live happily ever after. They work hard, they enjoy life, they do what they do. I think other communities need to learn from them and understand that, okay, it's a diverse country, we had a fight, some unfortunate incidents, some tragic deaths, but we must move on. And this is what something, this is something that we don't do. And then we keep blaming it on political parties and their divisive politics and blah, blah, blah. But end of the day, it's us who get divided. So we, as the citizens of this mulk, need to recognize that and correct it. एक सवाल और मैं चाहूँगा रजत सर भी इसका आंसर दे, तापसी अनुभव सभी इसका आंसर दे. सवाल, वकील का रोल निभाना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल था, किस तरह की प्रिपरेशन आपने थी? एक तो एक वकील थे सारे टाइम सेट पे हमारी हेल्प करने के लिए, कि कुछ गलत ना करें, कुछ मतलब जो भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करें. दूसरा डिफिकल्ट इसलिए था कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा मंझे हुए एक्टर्स के बीच में खड़ी थी. मेरे को कभी भी इंटिमिडेटिंग फीलिंग जो होती है वो किसी बड़े स्टार से नहीं आती है, वो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स से आती है. स्पेशली वन इज सिटिंग राइट देयर, एंड मेरा इनके साथ एक सीन भी है. एवरीबॉडी नोज हु आई मीन. एंड देन वी हैव आशुतोष राणा इन द फिल्म, वी हैव चिंटू सर, वी हैव नीना गुप्ता. आई एम श्योर आई डोंट हैव टू नेम देम एनी मोर, यू हैव सीन देम. तो मेरे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग था पांच लाइव कैमरास के बीच में खड़े होना, इन सब एक्टर्स के साथ वो सीन्स करना, एक एक टेक में पूरा सेशन कंडक्ट करना. इट वॉज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एंड इंटिमिडेटिंग फॉर मी. दिस इज द मोस्ट इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर और सेटअप दैट आई हैव वर्कड इन, बिकॉज आई हैव नॉट वर्क विद सच ब्रिलियंट एक्टर्स, मल्टीपल एक्टर्स together in one frame in one go. So it is the most intimidating role for me actually.
सुंदर जी आपके लेफ्ट में, हाय, थैंक यू. अनुभव सर, मेरा क्वेश्चन सर आपसे है. सर जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा आप हिंदू मेजॉरिटी में थे, तो हिंदू बोलते थे कि वो हिंदू के मतलब वो नहीं चाहते कि दंगे फसाद हो. आप मुस्लिम मेजॉरिटी में थे तो मुस्लिम नहीं चाहते थे कि दंगे फसाद हो. तो सर इस माहौल में रहकर आपको इस मूवी को बनाते वक्त क्या मुश्किलें आईं?